रात दिन लोग रोटे करते हुए और कष्ट उठाते हुए इस देश को आजाद करने में अपने आप को भूल लिए, उनके कष्टों को याद करके रोंग के खड़े हो जाते हैं। एक एक स्वाधीनता सेनानी की जीवनी यदि पढ़ी है, इतना बड़ा त्याग करने के बाद, बलिदान करने के बाद देश आजाद हुआ, हमको राजनीतिक आज़ादी मिल गई, लेकिन बौद्धिक आज़ादी की आवश्यकता है। हमारा देश बौद्धिक गुलामी से सुरक्षित है, विचार तंत्र खराब हो गया, इस विचार तंत्र को ठीक करने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान परम पूज्य गुरुदेव जी के नेतृत्व में चलाना है, चल रहा है, सब उसके भागीदार बन जाए और वही विचार लेकर के मस्ती में डूबते हुए, अपने उस विचार में डूबे हुए और उसी विचार में डुबाते हुए अच्छे विचारों का एक ऐसा माहौल तैयार कर देना गायत्री महामंत्र के द्वारा, पूरा ही ईथर तत्व को शुद्ध करने के लिए प्रयोग करना, गायत्री में सबको बना देना, अच्छे विचार से सबको डुबा देना, इसकी आज जरूरत है। और इसके लिए हम प्यारे बच्चों को देख कर के हृदय भर आ रहा है कि आप लोगों जैसे लोग, विवेका स्तर के लोग इस तरह के तैयार हो जाएं और आप लोगों के अंदर वो छटपटी पैदा हो जाए, हम सबों के अंदर ये छटपटी पैदा हो जाए कि जितना जल्दी हो, जैसे बाबू जी ने कहा कि देश को आज़ाद होने के लिए 42 के बाद बड़ी तड़पन, कब वो दिन आएगा, कब देश आज़ाद होगा, छटपटी से इंतजार हो रहा था, वही छटपटी लेकर के कब बौद्धिक गुलामी जाएगी, कब हमारा देश विश्वगुरु बनेगा, क्या कर दें, कैसे कर दें, छटपटाएं, उस तरह की साधना, उस तरह की प्रार्थना, उस तरह के विचारों में डूबें आप लोग। और एक खुशी की बात है, हमारा झंडा उत्तोलन जैसे हुआ है, ऊपर से बूंदे गिरनी शुरू हुई, ये शुभ संकेत, शांति विसर्जन कहते हैं इसको। भगवान की बहुत बड़ी कृपा भारत के ऊपर है, भारत का भाग्योदय सुनिश्चित है और पटना क्रांतिकारियों की धरती रही है, इस धरती पर ही है अभी सिंचन हो रहा है। निश्चित रूप से हमारे देश का ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है, बहुत अच्छा। आप लोग आए इसी तरह से उत्साह के साथ, देश को और ज़्यादा तरक्की करने में हम सभी लगें। इन बातों के साथ हमारे मनोज जी को छोड़